यहाँ पे क्यों आए हैं? BSNL को कार्ड लेने के लिए। BSNL कार्ड तो BSNL लेने आए क्योंकि हमारा पहले एयरटेल और जियो का यूज कर रहे थे तो हाँ। उसमें ज्यादा कस्टमर बढ़ गया है। हाँ। बहुत सब पुराना पुराना कस्टमर एयरटेल जियो VI का है वो सब कस्टमर पोर्ट करा के BSNL में आ गया है। जियो यूज कर रहे हैं BSNL तो क्यों BSNL में आ रहे हैं? महंगाई चलते हैं। लाइन के लोग ले रहे हैं कि मतलब लाइन लग के ही ले रहे हैं? लाइन लग के ले रहे हैं तो मतलब डेली कह सकते हैं कि 100-200 कस्टमर आ रहे हैं। 200 कस्टमर लेके चलिए डेली पर डे। बढ़ हैं कि सच में दाम बढ़ा है कि एक रूमर चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि दाम बढ़ गया है जियो का और एयरटेल का, कितनी सच्चाई है इसमें? जी बात तो सही है ऑलमोस्ट मेरे। क्या लोग जो है स्विच कर रहे हैं BSNL में? मैक्सिमम लोग तो आ रहे हैं स्विच करने के लिए। पूरा चर्चा पूरे देश में चल रहा है और कारण ये है कि जियो और एयरटेल ने अपने टैरिफ को बढ़ा दिया है, या इंटरनेट हो या फिर डेटा प्लान हो सब। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। BSNL ये पूरा चर्चा पूरे देश में चल रहा है और कारण ये है कि जियो और एयरटेल ने अपने टैरिफ को बढ़ा दिया है, या इंटरनेट हो या फिर डेटा प्लान हो सबका टैरिफ जैसे ही बढ़ाया वैसे ही देश में चर्चा होने लगी कि BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड जहां हम लोग खड़े हैं यहां पे लिखा हुआ है कनेक्टिंग इंडिया फास्टर, क्या अब लोग BSNL में स्विच कर रहे हैं, क्या BSNL का प्लान कितना सस्ता है, क्या ये जानने के लिए हम लोग आज हजारीबाग में घूम रहे हैं। और पूरे इंडिया में ये चल रहा था कि BSNL क्या है आखिर BSNL, तो BSNL वही है जो सबसे पुराना नेटवर्क मोबाइल में आया था और इंटरनेट देने वाला और सब कुछ देने वाला BSNL था, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया है आज के दौर में, क्योंकि आज जो है इंटरनेट में एयरटेल और जियो 5G के नाम पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क हो चुका है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे यहाँ के दुकानदार से कि BSNL पे क्या लोग सच में स्विच कर रहे हैं रेट बढ़ने से, और क्या सच में लोग पोर्ट करवा रहे हैं। आइए जानते हैं हजारीबाग के कुछ दुकानदारों से और जो लोग सिम बेच रहे हैं, जो लोग पोर्ट कर रहे हैं जियो से एयरटेल से BSNL में। तो आ गए आनंदक चौक हजारीबाग में जहाँ पे लोग BSNL पोर्ट भी कराते हैं और खरीदते भी, ये दुकान है। आप क्या यहाँ पे क्यों आए हैं? BSNL को कार्ड लेने के लिए। BSNL कार्ड तो क्यों BSNL का कार्ड ले रहे हैं आप? BSNL कार्ड इसलिए ले रहे हैं कि इसका रिचार्ज जो थोड़ा कम है अभी अचानक दाम बढ़ गया इसीलिए? नहीं अचानक दाम बढ़ गया नहीं। तो पहले से आपका है BSNL? BSNL पहले चल रहा था लेकिन उसको नेक्स्ट टाइम में बंद हो गया था वो। अच्छा, इसीलिए फिर दोबारा ले रहे हैं। फिर से दोबारा ले रहे हैं। हाँ, देख सकते हैं आप लगातार जो है आप भी BSNL लेने आए हैं? BSNL लेने आए क्योंकि हमारा पहले एयरटेल और जियो का यूज कर रहे थे तो हाँ। उसमें रिचार्ज बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसके लिए हम जियो से अभी BSNL का पोर्ट कराने चाह रहे हैं। जियो से BSNL पोर्ट करा रहे हैं तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लोग BSNL भी पोर्ट करा रहे हैं। क्या यहाँ एक हफ्ता में कुछ बढ़ा है कस्टमर BSNL का? BSNL का बहुत ज़्यादा कस्टमर बढ़ गया है। ये बहुत सब पुराना पुराना कस्टमर एयरटेल जियो VI का है वो सब कस्टमर पोर्ट करा के BSNL में आ गया है। अच्छा, पोर्ट कराने का रीज़न ये है कि एयरटेल जियो VI तीनों का रिचार्ज काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छा, ठीक है, जिससे BSNL का रिचार्ज काफ़ी सस्ता है। हाँ। और इसका नेट भी बढ़िया चल रहा है अभी इसका। अच्छा, तो क्या अभी टैरिफ क्या चल रहा है BSNL? मान लीजिए एक महीना का अगर रिचार्ज कराते हैं BSNL का 153 रुपये का आता है, एक महीना कॉल डेली 1 GB डाटा देता है। हाँ। ठीक है, और नई सिम लेने पे 150 रुपये लगता है जिसमें 45 दिन कॉल देता है, डेली 2 GB नेट दे रहा है अभी। मतलब नया सिम अभी हम लेंगे तो 150 रुपये लगेगा? 150 रुपये लेगा, 45 दिन कॉल देगा, डेली 2 GB डाटा देगा आपको। ये 45 दिन तक होगा? 45 दिन तक देगा। इसका हमको मतलब कुछ देना पड़ेगा डिटेल? बस आधार नंबर देना पड़ेगा, जिस कस्टमर को लेना है वो कस्टमर को यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, उसका फिंगरप्रिंट लेगा, इसका यहाँ लाइव फोटो लेगा उसका। और पहले हम लोग देखते थे कि BSNL में लाइन लग रहा है, एक महीना के बाद नंबर एक्टिव होगा, पहले ऑफलाइन चालू होता था इसलिए प्रॉब्लम होता था BSNL का, अब सब ऑनलाइन हो गया है। हम अभी अगर सिम लेते हैं BSNL का तो कितना टाइम लगेगा इसको ऑनलाइन? 30 मिनट में चालू हो जाएगा। 30 मिनट जी हाँ, चुटकी में एकदम 30 मिनट में आपका चालू हो जाएगा आपका। क्या 30 मिनट में आप आउटगोइंग इनकमिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं BSNL का क्रेज किस तरह से फिर से बढ़ रहा है, वापस इंडिया का सबसे पहला मोबाइल नेटवर्क आप कह सकते हैं कि सर्विसेज जो पूरे देश में फैल गया था BSNL, अब वो फिर से वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि कारण है जियो और एयरटेल का जो सिम है वो महंगा हो गया और लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं पोर्ट कर रहे हैं। जैसा इन भाई साहब ने कहा कि 30 मिनट के अंदर ही जियो का भी जो सिम है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और आप भी तुरंत आएंगे तो जियो का सिम एक्टिव हो जाता है, BSNL का सिम जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो लोग जो है आजकल स्विच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आनंदा चौक के पास लोग हमेशा यहाँ पे आ रहे हैं और BSNL का सिम लेने के लिए आ रहे हैं। आप भी BSNL का सिम लेने आए? पोर्ट कराने आए हैं। पोर्ट कराने आए हैं? पहले क्या यूज़ करते थे? जियो का। जियो यूज़ करते थे? BSNL। तो क्यों BSNL में आ रहे हैं? महंगाई चलते हैं। महंगाई से एयरटेल महंगा हो गया इसलिए जियो महंगा हो गया इसलिए। तो BSNL पे भरोसा है? पूरा पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है? पूरा। शुरू से यूज कर रहे हैं कि अभी पहले भी यूज करते थे? पहले भी यूज कर रहे हैं, अभी भी यूज करेंगे, फिर से यूज कर रहे हैं। क्या है जी BSNL में सच में लोग आ रहे हैं BSNL पोर्ट कराने? हाँ, करा रहे पोर्ट।
मतलब कितना ज्यादा लाइन लग के लोग ले रहे हैं कि मतलब ऐसा? लाइन लग के ही ले रहे हैं। लाइन लग के ले रहे हैं तो मतलब डेली कह सकते हैं कि 100-200 कस्टमर आ रहे हैं? 200 कस्टमर लेके चलिए डेली पर डे। पर डे आ रहे हैं? और ये कब से हो रहा है? एक हफ्ता से हो रहा है? एक हफ्ता से हो रहा है। एक हफ्ता से ऐसा हो रहा है तो देख सकते हैं डेली 200-300 कस्टमर जो है लगातार हजारीबाग में जियो में जियो से पोर्ट करा रहे हैं बीएसएनएल में, या फिर एयरटेल से बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं, या फिर खुद नया सिम। ऐसा भी है कि नया सिम भी ले रहे हैं? नया सिम भी ले रहे हैं। नया सिम भी ले रहे हैं, मतलब नया कस्टमर ही बन रहा है? नया कस्टमर ही बन रहा है। और स्पीड के बारे में क्या है बीएसएनएल का अभी? ठीक है, टाउन में आपका स्पीड बढ़िया है। स्पीड बढ़िया है, बाकी तो सब जगह जो है ना आपका कॉलिंग ठीक है। अगर बीएसएनएल में 5G दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? फिर सबसे अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा। टाउन में क्या अभी 3G नेट ठीक चलता है। गांव में देहात में क्या है कि कॉलिंग वॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा नेट की कॉलिंग। टाउन में नेट के लिए दिक्कत नहीं है, वाइफ भी आ जाएगा तो यहाँ बहुत कोई दिक्कत, मार हो जाएगा, यहाँ पर मार हो जाएगा, सब कंपनी बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। देख सकते हैं आप लगातार यहाँ पे बीएसएनएल जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं देख रहे हैं कि बीएसएनएल का अब जो होड है वो लग गया, बीएसएनएल सिम 5G। तो ये बीएसएनएल क्या 5G भी देती है? 5G लॉन्चिंग आने वाला है, लॉन्चिंग है बीएसएनएल का आने वाला है, मतलब वो बहुत जल्दी आएगा। हाँ बहुत जल्दी आएगा, तो बीएसएनएल का भी 5G आने वाला है। और यहाँ पे जो आनंदा चौक के पास बीएसएनएल का सिम बिक रहा है वहाँ पे लोग हर दिन लगभग 200-300 लोग आ रहे हैं और पोर्ट करा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं माहौल यही है हजारीबाग में कि बीएसएनएल का सिम भी अब बिक रहा है। रीज़न ये है कि एयरटेल और जो जियो है उसका दाम जैसे ही बढ़ा वैसे ही मार्केट में लोग जियो पोर्ट कराने के जियो से एयरटेल से बीएसएनएल में पोर्ट कराने के लिए पहुँच गए हैं और लगातार जो है यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो अभी पूरा इंडिया में ये चल रहा है कि जियो और एयरटेल का जो है दाम बढ़ गया है, रिचार्ज कराने का डेटा का जो दाम बढ़ गया है, और बीएसएनएल कहाँ है इस बीच में लोग पूछ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अपना जियो से एयरटेल से बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। यहाँ दुकानदार हैं मेरे साथ, आइए जानते हैं कि सच में दाम बढ़ा है कि एक रूमर चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि दाम बढ़ गया है जियो का और एयरटेल का, कितनी सच्चाई है इसमें? जी बात तो सही है, ऑलमोस्ट मेरे पास एक टैरिफ है आप देख सकते हैं। हाँ। जो 239 का प्लान था। हाँ। वो 1.5 GB डेली मिलता था। हाँ। अभी वो आपको 299 पे आ रहा। अच्छा। तो ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 25% आपको इंक्रीमेंट है इसमें। अच्छा। और ये सेम चीज़ एयरटेल में भी है, वोडाफोन। अच्छा। में भी है, सिर्फ बीएसएनएल में नहीं है। बीएसएनएल में रेट नहीं बढ़ा है। अच्छा। बाकी जियो एयरटेल वोडा सब में रेट बढ़ गया है। अच्छा। तो ये अब क्या हो रहा है, क्या लोग जो है स्विच कर रहे हैं बीएसएनएल में? मैक्सिमम लोग तो आ रहे हैं स्विच करने के लिए। हाँ। बट थोड़ा बीएसएनएल को लेकर के कंफ्यूजन है कि नेट स्पीड मिलेगा कि नहीं, ये दिक्कत है। बाकी जियो और एयरटेल में तो नेट स्पीड अच्छी है। हाँ। लेकिन फिर भी लोग चाह रहे हैं कि दो नंबर रखे हुए हैं तो एक नंबर को हम बीएसएनएल में पोर्ट कर दें जो सस्ता पड़ेगा। तो बीएसएनएल के लिए तो लोग कस्टमर क्वेरी जो अभी से 3 तारीख से पहले तक नहीं था, अब कस्टमर बेस बढ़ेगा बीएसएनएल का। देख सकते हैं 3 तारीख के बाद जैसे ही जियो और एयरटेल का दाम बढ़ा है बीएसएनएल में लोग स्विच कर रहे हैं, पोर्ट कर रहे हैं। और भी डिटेल हम लोग जानेंगे आखिर जहां पे पोर्ट हो रहा है वहां पे कैसे लोग पोर्ट करवा रहे हैं और क्या लोगों का उद्देश्य है, क्या सच में बीएसएनएल से लोग घबरा रहे हैं कि स्पीड देता है कि नहीं देता है, ये भी जानेंगे। अगर बीएसएनएल सही स्पीड दे देता है तो ये भारत का सरकारी नेटवर्क है और इसमें लोग स्विच कराएंगे तो कितना उनको कॉन्फिडेंस होता है। जैसे इनका कहना है कि एयरटेल और इस पर भरोसा भी क्यों है लोगों का? देखिए एक तो कवरेज, कवरेज के अलावा क्या है, 5G नेटवर्क पे अभी काम कर रही है दोनों कंपनी। नेट स्पीड 5G मैक्सिमम, कस्टमर अभी फ़ोन स्विच कर रहे हैं 5G में। हाँ। और सारा काम आपका डेटा का है, डेटा के बिना काम होना नहीं है। तो ये सारी कंपनी के कंपैरिजन में बीएसएनएल स्पीड नहीं दे पा रही है। अच्छा। कुछ जगहों पर हो सकता हो मगर ओवरऑल ट्रस्ट लोगों का एयरटेल भी और जियो पर ही है।